वट इज द वेट ऑफ टू डजन बिस्किट इफ इच बिस्किट वेस फोर ग्राम अब हमें वेट ऑफ टू डिस्किट क्या होगा अगर ईच बिस्किट का वेट फोर ग्राम है यानी कि ईच मीन्स वन ईच का मतलब होता है वन वन बिस्किट का वेट फोर ग्राम है तो टू डजन बिस्किट का वेट कितना होगा तो पहले हम देखेंगे टू डजन बिस्किट में कितने नंबर ऑफ बिस्किट होंगे ये ध्यान रखो वन डजन में ट्वेल्व यूनिट्स होती हैं यानी कि वन डजन बिस्किट मींस मीन बिस्किट्स अब हमसे कितना किसका वेट पूछा है टू डजन बिस्किट का तो अगर वन डजन की ट्वेल्व है तो टू डजन की कितनी होगी जब वन की दी दियो वन की वैल्यू दी हो और ज्यादा की निकालनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं वन डजन से हमने टू डजन की निकालनी है तो टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेल्व को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए बिस्किट ट्वेंटी फोर बिस्किट ट्वेंटी फोर बिस्किट तो हमने वेट किसका निकालना है ट्वेंटी फोर बिस्किट का तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ वन बिस्किट कितना है वेट ऑफ वन बिस्किट है फोर ग्राम ये हमने लिख दिया देन वेट ऑफ ट्वेंटी फोर बिस्कट ट्वेंटी फोर बिस्कट का मतलब two dozen biscuits. तो अगर हमने वन बिस्किट की हमें वेट दिया हुआ है हमने ज्यादा का निकालना है यानी कि वन की वैल्यू दी है और ज्यादा की निकालनी ट्वेंटी फोर की तो हम क्या करते हैं बच्चे मैंने बताया हुआ है आपको मल्टीप्लाई तो फोर मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फोर कर देंगे और फोर को अगर ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट नाइनटी सिक्स आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो इजी मल्टीप्लीकेशन है तो नाइनटी सिक्स ग्राम सो नाइनटी सिक्स ग्राम किस ऑप्शन तो से मैच करता है ऑप्शन फोर सो आवर आंसर इज ऑप्शन फोर